वैसे अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का शौक है और अगर आप इंस्टाग्राम पर अपना पेज चलाते हो या फिर आप यूट्यूबर हो मेरे जैसे और आपको आई कैचिंग थंबनेल बनाना हो तो एक ऐप है आर्ट लैब पोस्टर मेकर एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। ये एप्लीकेशन ऑल इन वन एप्लीकेशन है। आई मीन फोटो एडिटिंग को लेके इसमें आपको हर चीज मिल जाती है। एज अ यूट्यूबर मैं इस ऐप को अपने लिए काफी ज्यादा यूजफुल मानता हूँ क्योंकि मेरे लिए थंबनेल बनाना इस ऐप से काफी ज्यादा आसान हो जाता है और थंबनेल में टेक्स्ट लिखने के लिए इसमें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव फंड्स हैं। इवन नॉट जस्ट अ यूट्यूबर, अगर आपकी कोई शॉप है, आप अपने शॉप का कोई बैनर बना रहे हो और आपको आइडियाज चाहिए कि कैसे यूनिक बैनर बनाया जाए, तो इस ऐप में आपको 1,00,000 से ज्यादा डिजाइन मिल जाते हैं। और अगर आप मीम पेज चलाते हो और पोस्ट में आपको कुछ लिखना और एडिट करना पड़ता है तो ये एप्लीकेशन के जरिए आप सारी चीजें कर सकते हो। आपको इसको एक बार जरूर डाउनलोड करना चाहिए जिसे आपके एडिटिंग, बैनर मेकिंग, थंबनेल मेकिंग, लोगो मेकिंग के काम को ये और ज्यादा इजी कर दे। लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो यार आज की वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा क्योंकि हो सकता है कि आज की वीडियो आप लोगों को काफी अमेज कर दे ड्रैगन बॉल के फ्यूचर को लेके। बस कुछ और दिन बाकी है ड्रैगन बॉल मैजिक के ऑफिशियल अनाउंसमेंट को लेके। तो 12 तारीख को एक और न्यूज निकल के आई है कि 12 तारीख को जब अनाउंसमेंट होगी तो अनाउंसमेंट करने कौन आ रहा है। ये नाम कुछ दिन पहले काफी चर्चा में रहा है और इनका नाम है अकियो इयोकू। अकियो इयोकू ड्रैगन बॉल मैजिक की सीरीज को 12 तारीख को अनाउंस करेंगे और इनके साथ दो और लोग रहेंगे अनाउंसमेंट करते वक्त, और वो ड्रैगन बॉल सुपर के दो फेमस कैरेक्टर उनके साथ मौजूद रहेंगे जो होंगे वीस और बुलमा। वीस और बुलमा के ऑफिशियल वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी 12 तारीख को अनाउंसमेंट होते वक्त मौजूद रहेंगे। तो इतने दिन पहले जो एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी अकियो इयोकू और ड्रैगन बॉल सुपर 2 के स्टाफ में, तो उसका नतीजा क्या निकल कर आया देखो। ये साफ नजर आ रहा है ड्रैगन बॉल सुपर की ऑफिशियल फ्रेंचाइज ऑलरेडी स्प्लिट हो चुकी है। अकियो इयोकू ऑलरेडी ड्रैगन बॉल सुपर के एनिमे को लेके अलग हो चुके हैं और ये जो आने वाला वेब एनिमे है ये ऑलरेडी स्पिन ऑफ कहानी है ऑफिशियल ड्रैगन बॉल की कहानी में से। लेकिन आगे आने वाले वक्त में अकियो इयोकू हर साल कुछ ना कुछ एनिमे लेके आते रहेंगे जो कैनन होगी और मांगा से हटके होगी। और अकीरा टोरियामा को भी ये ध्यान रखना होगा कि जो भी कहानी वो लिख रहे हैं और अकियो इयोकू और शुएशिया को दे रहे हैं वो ऑफिशियल कहानी से मैच खाए और वो कहानी अपने ट्रैक पर रहे, कहानी ट्रैक से ना उतरे। अब मैं तुमको एक और बड़ी न्यूज देता हूँ। ड्रैगन बॉल सुपर 2 यानी कि मोरो और ग्रेनोला का एनिमे आर्क कब का आ जाता, लेकिन वो अकियो इयोकू के वजह से डिले नहीं हो रहा था। डिले शुएशिया जो मांगा का कॉपीराइट ओनर है वो चाहते थे ड्रैगन बॉल सुपर को होल्ड करके रखा जाए, जिसके वजह से आपने देखा जब एनिमे बंद हुआ था तो ब्रॉली मूवी आई जो अकियो इयोकू का आइडिया था। उसके बाद गोहान के ऊपर मूवी आई, ये भी अकियो इयोकू का आइडिया ही था। अब आने वाला है वेब एनिमे, ये भी अकियो इयोकू का ही आइडिया है। अकियो इयोकू ने अल्टीमेटम दिया है शुएशिया वालों को कि वेब एनिमे आ जाए, आप जल्दी से जल्दी हमारे बीच में ड्रैगन बॉल सुपर 2 को लेकर नेगोशिएशन खत्म करो, इतने टाइम पीरियड में मामला सेटल करो और साथ में मिलकर ड्रैगन बॉल सुपर 2 पर काम करो। लेकिन चीजें वैसी बिल्कुल होती नहीं दिख रही है। आप फ्यूचर में सिर्फ ऐसी स्पिन ऑफ कहानी ही नहीं, क्योंकि अब अकियो इयोकू अलग हो चुके हैं मेन ड्रैगन बॉल सुपर मांगा और एनिमे मैनेजमेंट से, तो आने वाले फ्यूचर में वो ऐसा भी एनिमे बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ फैन सर्विस के लिए जो कैनन यानी कि उसका असली कहानी से कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो फैंस के बीच में हिट करेगी। जैसे ड्रैगन बॉल जी के वक्त में ड्रैगन बॉल जीटी आता था, ड्रैगन बॉल जी की काफी नॉन कैनन स्टोरीज आई थी जिसमें ब्रॉली था। तो ये काफी पॉसिबल है कि वेब एनिमे के बाद अकियो इयोकू को अगर मांगा के राइट्स नहीं मिलते हैं, अगर ड्रैगन बॉल सुपर 2 नहीं आता है, तो फिर ऐसी ड्रैगन बॉल की मूवीज और सीरीज आती रहेगी जिनका ओरिजिनल ड्रैगन बॉल सुपर सीरीज से कोई लेना देना नहीं होगा। और क्योंकि वो अकियो इयोकू है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनको नॉस्टैल्जिया चीजें और ओल्ड कैरेक्टर ड्रैगन बॉल सुपर में पेश करवाने का और उनकी एंट्री करवाने का काफी शौक है। तो ये सुपर सीन 4, 5, 6 जाइकोर वगैरह सबको इंट्रोड्यूस करेंगे मूवीज के जरिए और एनिमे के जरिए। तो आप लोग सीरियसली अगर फ्यूचर में ड्रैगन बॉल के साथ ऐसा होता है, एक साइड ओरिजिनल सीरीज चल रही है और दूसरे साइड वो स्टोरी चल रही है जिसका ओरिजिनल से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या आप लोग ऐसा होना चूज करोगे वैसी कहानी देखने का? और उसमें खुद काम करेंगे अकिरा टोरियामा और टोयो टारो जो खुद भी ओरिजिनल स्टोरी राइटर है, वो काम करेंगे उस कहानी पर जो ओरिजिनल कहानी नहीं होगी, तो क्या आप लोग चूज करोगे? देखो मेरे हिसाब से ये कोई खराब डिसीजन बिल्कुल नहीं है, ये एकदम परफेक्ट डिसीजन है क्योंकि इससे स्टोरी ऑथर जैसे टोरियामा और टोयो टारो को और फ्रीडम मिलता है कि वो जो चाहे वो अपनी सीरीज के साथ आजमा सकते हैं। और इन दी एंड सब फैंस पर डिपेंड करेगा कि वो ऐसी सीरीज को कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ओरिजिनल राइटर खुद बैठकर सिर्फ ड्रैगन बॉल सुपर ही नहीं अपनी खुद की ही ओरिजिनल कहानी की अलग अलग 3-4 ओरिजिनल कहानी बना देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर कल का अनाउंसमेंट आ गया टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद अब ड्रैगन बॉल काकुमे की कहानी कंटिन्यू होने वाली है, उसका एनिमे एडॉप्शन होने जा
जा रहा है। जाइकोर की कहानी का एनीमे बनने जा रहा है, उसी के साथ में मोरो और ग्रेनोला की मांगा का एनीमे बनने जा रहा है। ऑलरेडी ये ड्रैगन बॉल एनीमे के साथ हो रहा है। अगर आप देखोगे SDBH जो एक प्रमोशनल एनीमे है, उसका एक स्टाफ आके बोलता है कि हमें SDBH पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि हम ये सीरीज को और 10 साल तक आगे चलाएंगे, जबकि उसमें ओरिजिनल ऑथर है भी नहीं। तो अगर ओरिजिनल स्टोरी ऑथर खुद अपनी कहानी की फैन कहानी बनवा कर एनिमेट करवाएगा तो सोचिए उसको कौन से लेवल का रिस्पॉन्स आएगा। और ये देखो, लिख कर लो, ये 1-2 साल के अंदर होने जा रहा है। ऑलरेडी चीजें एविडेंट है, एक तरफ मांगा, दूसरे तरफ SDBH, फिर मूवीज और मोरो का और ग्रेनोला का एनिमे, फिर वेब एनिमे। हमने रियलाइज नहीं किया लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर पहले से ही स्प्लिट हो चुका है, और ऐसा होना इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपने वन पीस फिल्म रेड देखा होगा तो वो भी ऐसी कहानी है जिसका ओरिजिनल कहानी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहानी में खुद ओरिजिनल ऑथर ने इचिरो ओदा ने काम किया है और ये एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा वर्ल्ड वाइड। तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर कल का अकिरा टोरियामा ऐसा कोई रास्ता चूज करते हैं। उल्टा फैंस के पास ऑप्शन होंगे कि वो ड्रैगन बॉल की कौन सी टाइमलाइन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस। अब आप लोग बताइए, क्या आप लोगों को सिर्फ ड्रैगन बॉल सुपर 2 से मतलब है, या आपको भी चाहिए कि फ्यूचर में ऐसा हो जहां ओरिजिनल ऑथर की ही ड्रैगन बॉल को लेके मल्टीपल सीरीज रहे और मांगा रहे? तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए जिससे ऐसी और इन्फॉर्मेशन आप लोग मिस ना कर पाओ, और 12 तारीख को जो भी अनाउंसमेंट आने वाली है उसे आप मिस ना कर पाओ। और हमारे इंस्टाग्राम को जाके आप लोग फॉलो करिए, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां मैं रील्स के जरिए दूसरे एनिमे पर भी आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।